मैं गणेश गुप्ता डेयर क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। मैं दसवीं कक्षा का गणित विषय का तैयारी कराऊंगा। आज मैं संख्या ग्राफ के बारे में चर्चा करूंगा। संख्या ग्राफ क्या होता है? संख्या ग्राफ को दो भागों में प्रतिपादित किया गया है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जो रूट में रहता है और माइनस के अंदर आता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या को ए प्लस आई बी के रूप में प्रतिपादित किया जाता है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो के होता है, जहां आई का मान माइनस रूट वन होता है, वो जो आगे वाली क्लास में पढ़नी है। अभी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़नी है हमको दसवीं कक्षा में। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां q जीरो के इक्वल ना हो और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उसके विपरीत अपरिमेय संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, और इसमें कोई भी संख्या का पूर्ण रूप ना होता है, √2 √3। इसका दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट के अंदर लिखी हो और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। परिमेय संख्या को दो रूप में प्रतिपादित किया गया, पूर्णांक और भिन्न में। भिन्न वैसी संख्या होती है जो दशमलव के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है भाग देने पर, 4/7 3/8 यह क्या है? भिन्न में है, भिन्न संख्या है। और पूर्णांक को तीन रूप में प्रतिपादित किया जाता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य में। ऋणात्मक पूर्णांक वैसे पूर्णांक है जो माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -1 तक लिखी जा सकती है, और धनात्मक पूर्णांक 1, 2 से अनंत तक लिखी जा सकती है। धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृत संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या को भी दो रूपों में प्रतिपादित किया जा सकता है, और अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, 3, 5 अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल अपने से कटे और एक से कटे, और यौगिक संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी और संख्या से कटे, मतलब दो से अधिक गुणज हो। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से गुणज हो। 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो का गुणज ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्या है। संख्या एक न भाज्य है और न अभाज्य है। वैसी संख्या जो भाज्य होती है उसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य के लिए स्वयं से कटे और अपने आप से कटे, इसलिए ये एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ऐसी संख्या जो अभाज्य है और सम है तो वह केवल एक ही है, वह दो है। दो क्या है? सम है और यह अभाज्य भी है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परिमाणांक होती है, परिमेय होती है और वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही डिराइव होती है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में ही डिराइव होती है पूर्णांक, और पूर्णांक से ही डिराइव होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या होती है, कि पूर्ण संख्या में जीरो को सम्मिलित किया जाता है, जीरो को अगर हटा दें तो वह क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या हो जाती है। सभी पूर्ण संख्याएं परिपूर्णांक होती हैं, परिमेय होती हैं, वह वास्तविक होती हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो वास्तविक से डिराइव होकर परिमेय होती है, और परिमेय से डिराइव होते पूर्णांक होती है, पूर्णांक से डिराइव होती है पूर्ण होती है। अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम होते हैं, वह अभाज्य और एवं यौगिक सम तथा विषम होते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक से कटे या स्वयं से कटे। तो दो ऐसी संख्या है जो क्या होती है? सम होती है और
विषम भी होती है। दो ऐसी संख्या है जो क्या होती है, सम भी है और विषम भी है। तीन पांच ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है और सम भी है। यौगिक ऐसी संख्या है जो एक से कटे, स्वयं से कटे और एक अतिरिक्त गुणनखंड से कटे। तो कौन कौन सी संख्या यौगिक संख्या कहेंगे, चार है, आठ है, नौ है, पंद्रह है, या क्या है, यौगिक है, यौगिक में सम है, या क्या है, यौगिक है, या क्या है, विषम है। दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, क्योंकि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, केवल सम है, बाकी सब क्या है, अभाज्य है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि कोई भी अगर प्रश्न पूछता है कि धनात्मक पूर्णांक लिखिए, धनात्मक पूर्णांक एक से स्टार्ट होती है ना कि जीरो से स्टार्ट होगी। धनात्मक पूर्णांक क्या से स्टार्ट होगी, जीरो से नहीं स्टार्ट होगी ना, केवल एक से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस एन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, माइनस वन तक जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो से किसी भी संख्या में गुना किया जाए या भाग दिया जाए वह संख्या जीरो ही बन जाती है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह संख्या इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब अनंत हो जाती है, क्योंकि जीरो का किसी भी टेबल में वह संख्या प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी के साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करने वाला जो प्रॉपर्टी है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भाग एल्गोरिथम विधि सीखेंगे।